जो हर एक कठिन परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखता है, चाहे उसे बंजर जमीन मिले, चाहे उस कैसी भी कठिन परिस्थिति में हो, यदि वो परमेश्वर पर भरोसा रखे, यदि उस पर विश्वास रखे, तो परमेश्वर उसके लिए अद्भुत कामों को करता है। जब हम विश्वास रखते हैं तो अब्राहम ने उस बंजर जमीन पर भी परमेश्वर पर भरोसा रखा कि ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर इसमें फसल उगा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अंत में उसके लिए भलाई उत्पन्न की। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हो सकता है हमारे जीवनों में कभी दुख आए, कभी संकट आए, कभी कठिन परिस्थितियां आए, या फिर अनेक प्रकार की परेशानियां हमें घेर लें, अनेक प्रकार के दुख हमें घेर लें, जिनका सामना करना हमारे लिए कठिन हो जाए, परंतु उस समय विश्वास रखना कि जो परमेश्वर अब्राहम के लिए बंजर जमीन से फसल उगा सकता है, वो आपके और मेरे लिए इन परिस्थितियों से भी फसल उगा सकता है। इन कठिन परिस्थितियों से वो हमें बाहर निकाल करके उनसे हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर सकता है। इस बात पे विश्वास रखना कि आज मेरे पास बंजर जमीन है, परंतु कल ये बंजर जमीन फलवंत होगी। आज मेरे पास सूखी भूमि है, परंतु कल इससे जल की धाराएं बहेंगी। आज मैं कठिन परिस्थिति में हूं, परंतु कल मेरे जीवन में सुख आएगा। आज मैं दुख में हूं, परंतु कल मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, नहीं मैं चाहे आज कैसी भी परिस्थिति हूँ, परंतु मेरा परमेश्वर सब कुछ ठीक करने में सामर्थ्य है। अय्यूब की तरह जो विश्वास रखे, चाहे उसके जीवन में कितने भी दुख आ गए, परंतु उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, परमेश्वर पर उसने दोष नहीं लगाया, उसने फिर भी परमेश्वर का क्या किया, आदर और सम्मान किया, धन्यवाद किया और उस पर विश्वास रखा। जिसने दिया उसने ले लिया, और तब परमेश्वर ने उसे दो गुना वापस करके दिया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है हम कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हों, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे दुखों से, ऐसी परेशानियों से जिनसे बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा हो, लग रहा हो चारों तरफ बंजर जमीन है, लग रहा है जैसे पानी का कोई स्रोत अब नहीं रहा। परंतु यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपकी सब परिस्थितियों को अच्छा करने में सामर्थ्य है, वो आपके दुखों को आनंद में बदलने में सामर्थ्य है, वो आपके लिए अद्भुत कामों को करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपसे प्यार करता है, आपसे वो प्यार करता है, और वो आपको जरूर उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। उस परेशानी से, उस दुख से, उस मुसीबत से, उस संकट से हमें बाहर निकालने के लिए प्रभु हमारे साथ में होगा, क्योंकि बाइबल बता रही है कि जिस प्रकार उसने अब्राहम को आशीष दी, हम उसकी आशीषों के वारिस हैं। यदि उसने उसको दिया तो हमको भी देगा। चाहे हमारे हिस्से में बंजर जमीन हो, चाहे हमारे हिस्से में सूखी भूमि हो, चाहे हम दुख में हों, चाहे हम परेशानी में हों, परंतु उस समय प्रभु पर विश्वास रखें, वो आपके दिनों को खुशी में और आनंद में बदल देगा। आइए हम लोग दुआ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। विशेषकर पिता परमेश्वर इस कहानी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, अब तेरे सेवक अब्राहम ने बंजर जमीन को चुना प्रभु, और तूने उस बंजर जमीन पर प्रभु अब्राहम को आशीष दी प्रभु, और पूरा देश कनान तूने उसे दे दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उसके लिए बंजर जमीन पर प्रभु फसलें उगाई प्रभु, आपने उसके लिए निर्जल भूमि में प्रभु जल की धाराएं बहाई प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आज अब्राहम को प्रभु आपने बहुत तायत से आशीषित किया प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन आशीषों के वारिस हम सब लोग हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हम सब के दुखों को आनंद में बदलने जा रहे हैं प्रभु। पिता, जितने भी लोग प्रभु इस मैसेज को सुनते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर आप उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए प्रभु। आप उनको उन दुखों से, उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से, उन कठिन परिस्थितियों से प्रभु आप उन्हें बाहर लेकर आए प्रभु। पिता, उन्हें वो हियाव दें कि वो उस दुख में, उस कठिन समय में प्रभु तुझ पर भरोसा रख सके प्रभु, और तू उन्हें उन वहां से बाहर निकाल सके प्रभु। और जब आप उनको वहां से बाहर निकालेंगे तो आप उन्हें दो गुना आशीषित करेंगे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आप दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं, और अपने लोगों के लिए अद्भुत कामों को करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।